दिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कई जगह बारिश का अनुमान, तो केरल और लक्षद्वीप के ज्यादातर हिस्सों में बारिश के आसार। मन्नार की खाड़ी में कल 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी तेज हवाएं, मछुआरों को इन इलाकों में ना जाने की सलाह। और पश्चिमी राजस्थान के चुरू में अधिकतम तापमान रहा 43.6 डिग्री सेल्सियस, तो पूर्वी मध्य प्रदेश के सिवनी में न्यूनतम तापमान 17.6 डिग्री सेल्सियस हुआ दर्ज। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मौसम खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आपको बताएंगे देश के किन हिस्सों में हो सकती है बारिश, कहां चल सकती हैं तेज हवाएं और कैसा रहेगा तापमान का हाल। साथ ही ऐसे मौसम में किसानों के लिए क्या है विशेषज्ञों की सलाह। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं मौसम की खास खबरों पर। अगले दो दिन क्या कुछ खास रहेगा मौसम में, आइए जानते हैं। रविवार और सोमवार को जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित में बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चलने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की अगर बात करें तो कल यहां बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चल सकती हैं। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कल बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चलने के भी आसार हैं। वहीं दो दिन उत्तर प्रदेश में बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चलने का भी अनुमान है। असम और मेघालय में दो दिन बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाओं के आसार बने हुए हैं। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा की अगर बात की जाए तो कल यहां बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चल सकती हैं। पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी दो दिन बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चलने की संभावना है। दो दिन ओडिशा, बिहार, झारखंड में बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चलने का अनुमान है। वहीं छत्तीसगढ़ में भी दो दिन, विदर्भ और मराठवाड़ा में कल बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चल सकती हैं। दो दिन तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा में बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चलने का अनुमान है। तो जाना आपने क्या कुछ खास रह सकता है। आइए बात करते हैं बारिश के पूर्वानुमान की भी। उत्तर के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में बारिश का अनुमान जताया गया है, साथ ही पूर्वी भारत में भी बारिश हो सकती है। इसके अलावा पश्चिमी राज्यों में बारिश के आसार हैं, तो दक्षिण भारत में भी बारिश की संभावना बनी हुई है। देश के बाकी हिस्सों में कैसा रहेगा बारिश का हाल, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। मौसम विभाग के अनुसार रविवार और सोमवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कई जगह बारिश होगी। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी दो दिन कुछ हिस्सों में बरसात का अनुमान है। इसके अलावा दो दिन पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कुछ स्थानों पर वर्षा के आसार हैं। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दो दिन कुछ इलाकों में बारिश के आसार हैं। इसके साथ ही कल पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं बरसात होगी। मौसम विभाग की माने तो पूर्वी भारत में दो दिन बिहार, झारखंड और ओडिशा में कई जगह वर्षा हो सकती है। दो दिन गांगे पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में पानी बरसेगा। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में दो दिन अधिकतर हिस्सों में बरसात होगी। दूसरी ओर दो दिन अरुणाचल प्रदेश में ज्यादातर जगह वर्षा का अनुमान है। असम और मेघालय में दो दिन अधिकतर स्थानों पर बादल बरसेंगे। दो दिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कई इलाकों में बारिश होगी। मध्य भारत की बात करें तो दो दिन पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में छिटपुट बरसात होगी। छत्तीसगढ़ और विदर्भ में दो दिन कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। पश्चिम भारत में दो दिन गुजरात में बरसात नहीं होगी। सौराष्ट्र कच्छ के इक्का दुक्का इलाकों में बारिश का अनुमान है। कोंकण गोवा में दो दिन अधिकतर हिस्सों में बरसात के आसार हैं। दो दिन मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में इक्का दुक्का जगह वर्षा संभव है। रुख करते हैं दक्षिण भारत का। दो दिन तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा के कुछ हिस्सों में पानी बरसेगा। तमिलनाडु और पुदुचेरी में दो दिन कुछ जगहों पर वर्षा का अनुमान है। दो दिन तटीय, उत्तरी और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। केरल और लक्षद्वीप में दो दिन ज्यादातर स्थानों पर बरसात के आसार हैं। दो दिन अंडमान निकोबार में कई जगह बारिश का अनुमान है।
तो जाना आपने, देश के किन किन हिस्सों में फिलहाल बारिश की संभावना बनी हुई है, लेकिन बात अगर की जाए पिछले 24 घंटों के दौरान तो यहाँ कहाँ कहाँ बारिश दर्ज की गई देश भर में, ये आपको बता देते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित, तो यहाँ अधिकतर स्थानों पर बारिश दर्ज की गई। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में, साथ ही उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी बादल बरसे। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी कई जगह बारिश हुई, तो उत्तर प्रदेश में छिटपुट स्थानों पर बारिश दर्ज की गई। देख सकते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश जहां पर छिटपुट जगह बारिश दर्ज की गई। वहीं अरुणाचल प्रदेश के अधिकतर इलाकों में भी बादल बरसे, तो असम और मेघालय में ज्यादातर स्थानों पर बारिश दर्ज की गई। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के ज्यादातर इलाकों में भी बारिश दर्ज हुई। पश्चिम बंगाल और इसके साथ साथ अगर बात की जाए सिक्किम की, तो अधिकतर स्थानों पर यहाँ भी बादल बरसे। गांगी पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में भी बारिश हुई। ओडिशा, बिहार और झारखंड में भी कई इलाकों में बारिश दर्ज की गई। वहीं मध्य प्रदेश में इक्का दुक्का हिस्सों में, साथ ही छत्तीसगढ़ में कई स्थानों पर बारिश हुई। राजस्थान और गुजरात में भी कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई। कोंकण, गोवा के ज्यादातर हिस्सों और विदर्भ के कुछ इलाकों में भी बारिश हुई। मध्य महाराष्ट्र में भी कुछ जगह बारिश दर्ज की गई। तटीय आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ कई इलाकों में बारिश दर्ज हुई। तेलंगाना और रायलसीमा में कुछ स्थानों पर बादल बरसे। तमिलनाडु और पुदुचेरी की अगर बात की जाए तो यहाँ भी इक्का दुक्का जगह बारिश दर्ज की गई। आंतरिक कर्नाटक के छिटपुट हिस्सों में भी बारिश हुई, तो केरल में गिनी चुनी जगह पर, जबकि लक्षद्वीप के कई इलाकों में बारिश हुई। अंडमान निकोबार में भी कई स्थानों पर बादल बरसे। और आइए बात करते हैं तापमान के हाल की। सबसे पहले जान लेते हैं अधिकतम तापमान का हाल। पंजाब की अगर बात करें तो इक्का दुक्का स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। हरियाणा के अधिकतर इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर रहा। साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में भी अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज हुआ, तो कोंकण, गोवा में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस ऊपर रहा। इसके विपरीत अरुणाचल प्रदेश में छिटपुट स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस नीचे यानी कम दर्ज किया गया। हालांकि असम के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा, तो नागालैंड के कुछ इलाकों में भी अधिकतम तापमान का यही हाल दर्ज किया गया। अंडमान निकोबार में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे अधिक तापमान पश्चिमी राजस्थान में दर्ज किया गया। यहां चूरू में अधिकतम तापमान 43.6 डिग्री सेल्सियस रहा। और आइए अब अधिकतम तापमान के बाद बात कर लेते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति की। आपको बता दें मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो कुछ जगह यहां न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक यानी ऊपर दर्ज हुआ। केरल के कुछ हिस्सों में भी न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। इस बीच देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान पूर्वी मध्य प्रदेश के सिवनी में दर्ज हुआ। यहां तापमान 17.6 डिग्री सेल्सियस रहा। और इसी के साथ ही मौसम खबर में यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे और क्या कुछ खास रहेगा मौसम में। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। बढ़िया ऐसी चप्पल दिखाइयो। हाई बढ़िया। यू वांट ये ले, रिलैक्सो। टूटा की तो ना यो 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 है रिलैक्सो। ओ मजबूत, पैक कर दो। रिलैक्सो मजबूती बेमिसाल। माटी से है उठी पुकार, अब तकदीरें बदलेंगी। रुकेंगे न हौसले कल की अविश्वास से, अब तय किया है हमने। नया दौर खुशहाली का ले आएंगे इस जग में। मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, बुलंद हौसलों की मिट्टी के संग। कठिनाइयों से न डरे अब ये मन, दिख रहा है नया भरोसा। हर खेत रोशन हो मेरा। हवाओं के रुख से साहिल बदल रहे हैं। पूरे देश में अब किसान AIC के संग। मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान। बीमित फसल खुशहाल किसान।
तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। ब्रेक पे जाने से पहले आपने जाना देश के अलग अलग हिस्सों में क्या स्थिति रहेगी मौसम की, और ऐसे में अगर बात राजस्थान और गुजरात की जाए तो इस मौसम में किसान यहाँ कौन कौन सी विशेष सावधानी बरत सकते हैं या इसके साथ साथ कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। राजस्थान में बाजरे की बुआई कर लें, किसान बीन्स की बुआई करते रहें, वहीं कपास के खेत में निराई कर सकते हैं, कपास के खेत से खरपतवार निकाल दें, वहीं ग्वार की बुआई के लिए समय उपयुक्त है, साथ ही तिल और मूंग की बुआई कर सकते हैं, मूंग के खेत में जरूरी उर्वरक डालें, अभी गन्ने के खेत में सिंचाई करते रहें, इसके साथ ही किन्नू के बागों में भी सिंचाई कर लें, यहाँ धान की रोपाई करें, इस समय मूंगफली के खेत से घास फूस निकाल सकते हैं, वहां अरंडी की बुआई करते रहें, राजस्थान में बैंगन और लाल मिर्च की खेती के लिए नर्सरी तैयार कर लें, किसान फूल गोभी की भी नर्सरी तैयार कर सकते हैं, गुजरात में धान की रोपाई करें, धान के खेत में जरूरी उर्वरक डाल सकते हैं, किसान गन्ने के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल कर लें, गन्ने के खेत से जल निकासी का प्रबंध करें, यहीं लाल मिर्च के खेत से पानी की निकासी की उचित व्यवस्था करते रहें, इसके अलावा आम के बागों में सिंचाई कर सकते हैं, वहां अरहर के खेतों में सिंचाई करते रहें, अरहर के खेत से खरपतवार निकाल लें, इसी तरह भिंडी और कद्दू के खेत से घास फूस निकाल सकते हैं, यहीं कपास की बुआई कर लें, कपास के खेत से घास फूस निकाल लें, गुजरात में केले के बागों में सिंचाई करते रहें, किसान सोयाबीन की बुआई करें। तो जाना आपने अलग अलग फसलों की जो बुआई है या रोपाई की बात की जाए तो किसान भाई किन किन बातों का ख्याल रखकर अपने जो कृषि कार्य उनको कर सकते हैं, भाई आगे बढ़ते हैं और आज की फसल में बात करते हैं लोबिया की खेती की। अगर किसान लोबिया की खेती करना चाहते हैं तो उन्हें किन किन बातों का ख्याल रखना होगा, और खासतौर से मैदानी हिस्सों की अगर बात करें तो कई जगह अभी इसकी तैयारी की जा रही है बुआई के लिए, ऐसे में खासतौर से मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दक्षिण भारत में केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में किसान इसकी खेती करते हैं, लेकिन इस दौरान आपको और किन बातों का ख्याल रखना होगा अच्छी पैदावार के लिए, आइए जान लेते हैं। लोबिया के लिए 21 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की जरूरत होती है। दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे बेहतर मानी जाती है, लेकिन बलुई दोमट मिट्टी में भी इसकी खेती की जा सकती है। इसके अलावा बरसात के मौसम में ढालू जमीन में भी इसे बोया जा सकता है। जिस खेत में लोबिया बोना चाहते हैं उसमें पानी निकलने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। एक हेक्टेयर में कितना बीज डालना है ये इस बात पर निर्भर है कि आप किस मकसद से इसे बो रहे हैं। फलियों के लिए 20 से 25 किलो, दाने के लिए 30 से 35 किलो और हरे चारे के लिए 35 से 40 किलो बीज प्रति हेक्टेयर लगेगा। दाने और फलियों के लिए कतार में बीज बोए, जबकि हरी खाद के लिए बीज को खेतों में छिड़क दे। लोबिया के लिए 10 से 15 किलो नाइट्रोजन और 20 किलो फास्फोरस प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई से पहले ही डाल दें। बुआई के 20 से 25 दिन बाद खेत की निराई गुड़ाई कर लें। ज्यादा खरपतवार उगने पर दोबारा निराई गुड़ाई करें। लोबिया में सूत्रकृमि और पीला रोग का खतरा रहता है। पीला रोग को मोजेक भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए ग्रीष्मकालीन लोबिया में ज्वार की मिश्रित फसल लें। लोबिया में माहू और फली भेदक कीट का भी खतरा रहता है। फसलों में लगने वाले इन रोगों और कीटों से बचाव के लिए किसान विशेषज्ञों की सलाह से उचित दवाओं का छिड़काव करें। तो जाना आपने किन किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा, और भाई आपको बताते हैं मौसम के लिहाज से अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो यहाँ किसान कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं। आपको बता दें जम्मू कश्मीर में किसान फिलहाल धान की रोपाई कर सकते हैं अभी, साथ ही धान के खेत में निराई का काम भी किसान कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में किसान मक्के की बुआई अभी कर सकते हैं, साथ ही लाल मिर्च की बुआई किसान यहां लगातार करते रहें। जम्मू कश्मीर में किसान भिंडी भी अभी लगा सकते हैं, साथ ही टमाटर की भी बुआई के लिए उचित समय है, किसान टमाटर की बुआई भी कर सकते हैं, जबकि अभी के समय किसान यहां बैंगन की बुआई भी कर सकते हैं। किसान मटर की तुड़ाई अभी कर लें। जम्मू कश्मीर में ज्वार की बुआई किसान यहां कर सकते हैं, बाजरे की बुआई भी किसान यहां कर सकते हैं,
और फिलहाल मौसम खबर में यहाँ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे कृषि और मौसम से जुड़ी कुछ और खास जानकारी। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। टूटे की तो ना आयो। यो है रिलैक्सो, रिलैक्सो मजबूती बेमिसाल। हर जोखिम से निकल कर फसल आए सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। भाई आप बताते हैं मौसम के लिहाज से अगर बात करें खासतौर से उत्तराखंड राज्य की, तो यहाँ किसान कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं। उत्तराखंड में किसान अरहर की बुआई अभी कर लें, साथ ही गन्ने के खेत से जल निकासी का प्रबंध भी करें। उत्तराखंड में किसान धान की रोपाई अभी कर सकते हैं, साथ ही लोबिया और मूंग की बुआई भी किसान करते रहें। उत्तराखंड में किसान शिमला मिर्च की रोपाई अभी कर सकते हैं। किसान बैंगन के खेत में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहें। उत्तराखंड में किसान मक्के की कटाई कर लें, साथ ही बाजरे की बुआई भी किसान यहां भी कर सकते हैं। उत्तराखंड में किसान आम की तुड़ाई करें, साथ ही लीची की भी तुड़ाई किसान अभी कर सकते हैं। और आइए बुलेटिन में एक बार फिर नजर डालते हैं मौसम की खास खबरों पर। अगले दो दिन क्या कुछ खास रहेगा आइए जानते हैं। दो दिन केरल और लक्षद्वीप में बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चलने की संभावना है। कल उत्तराखंड और सोमवार को पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश का अनुमान जताया गया है। असम और मेघालय में दो दिन इक्का दुक्का जगह जोरदार बारिश के आसार हैं। दो दिन उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में गिने चुने स्थानों पर मूसलाधार बारिश की संभावना है। बिहार में दो दिन और ओडिशा में कल कहीं कहीं तेज बारिश हो सकती है। सोमवार को तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में छिटपुट हिस्सों में जोरदार बारिश का अनुमान है। दो दिन तमिलनाडु और पुडुचेरी की अगर बात करें लगातार, तो इक्का दुक्का इलाकों में भारी बारिश का भी अनुमान जताया गया है। वहीं केरल में सोमवार को गिने चुने हिस्सों में मूसलाधार बारिश के आसार हैं। मनार की खाड़ी में कल 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। फिलहाल मछुआरों को इन इलाकों में ना जाने की सलाह जारी की गई है। और आइए अब नजर डाल लेते हैं अगले 4 दिनों के लिए प्रमुख शहरों के तापमान पर। आप बता दें आप अपने मोबाइल पर मौसम की तमाम ताजा जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आप इसके लिए ना सिर्फ अलग अलग माध्यम आपके पास, बस आपको अपने मोबाइल पर मौसम ऐप डाउनलोड करना होगा। तो नेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे और भारत मौसम विज्ञान विभाग ने साथ मिलकर इस ऐप को तैयार किया है, जिसके जरिए देश के करीब 450 शहरों के लिए अगले 7 दिनों के मौसम का पूर्वानुमान मुहैया कराया जाएगा।
मौसम ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर और एप्पल के ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आपको बता दें ये ना सिर्फ जो जानकारी है आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी ले सकते हैं, इसके लिए आप टीवी स्क्रीन पर जो दिखाया जा रहा है क्यूआर कोड है इसको स्कैन कर सकते हैं और फिर आप कहीं भी कभी भी मौसम की जानकारी मौसम खबर के साथ ले सकेंगे। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, मौसम की ताज़ा जानकारी और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।